तो हेलो फ्रेंड, आप जाने के होंगे वीडियो में मैं क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ। आपने मेरा पढ़ लिया वो थंबनेल जो मेरे जो रिव्यू है जो लिखा हुआ है, तो आपको देख ही रहे मैं किचन में खड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैंने किचन का कुछ सामान मंगाया है, और एक्चुअली उसके बिना किचन अधूरा लगता है अगर वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं तो हो। चलिए उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। दो ऑटोमेटिक है इसमें, एक लाइटर वाला सिस्टम और ऑटोमेटिक का, दोनों का सिस्टम बनाया मैंने। बाद में आने एनीथिंग का आपका मन नहीं कर रहा हो लाइटर यूज करने का, तो इसलिए बटन भी स्लीपर लगाई है मैंने, क्योंकि बटन से यूज कर सकते हो। ये अलग से खरीद के लाते हैं ना मार्बल, ये मैंने न्यू मॉडल लगाया है उसके अंदर, ये बगल बगल वाली। ये तो ये कटोरी है बैंगलोर जाली, इसका नाम है बैंगलोर। देखो सबसे छोटा नॉर्मल डिवाइस जीरो फुल, मैंने चार प्रकार की कटोरी सबसे बड़े बड़े लगाए मैंने, इसलिए मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्बल उससे भी बड़ी बड़ी कटोरी। ये ऊपर निकल जाएगा ना क्या? ये ना, ये कटोरी ये नहीं, वो जो नीचे ये नहीं निकलेगी आपकी, सिलेक्शन दे रखा है आपका, स्लाइडिंग निकलती है बस, ये जैसे ये करके पोंछ लो कपड़े, जो पोंछ लो। ये लाइटर है आपका, ये लगे चार वाला लाइटर, अच्छा चार लाइटर है। सर ये कैसा है, एल्यूमिनियम है ये? क्या ये स्टील है? ये हाँ प्योर सिल्वर है, सिल्वर। और जो ये स्टील में है, अच्छा ये पीतल में है, अच्छा। ये गैक्सर में है, सिल्वर मैन पाइप में ये स्टील में के लोकर है, सिल्वर की पाइप दे रखी है, पानी से जैसे बाई चांस लग जाए तो चल ना लगे आपकी, अच्छा। थोड़ा उससे दूर हो जाएगी वैसा। इतना पानी नहीं पड़ना चाहिए ना? नहीं आप पानी से कर सकते हो, पानी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ तरीका। गीला कपड़ा लिए, पहले गीला कपड़ा लिया, पोंछ लिया, ठीक है, सर्फ में भिगो के पोंछ लो ढंग से, अच्छा। फिर लास्ट में आपका काम है कि सूखा कपड़ा मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। नहीं वैसे पानी से धो नहीं सकते ना, वैसे नॉट अलाउड। अच्छा टक ऑटोमेटिक भी है? देखो डिवाइजर ऑन करा, अच्छा ठीक है। ये जो होते हैं ये ब्रास के होते हैं ना? ये लोहे, लोहे के, ब्रास के तो भैया कामयाबी नहीं होते, अच्छा ये ओरिजिनल है, ये जल्दी खराब नहीं होते। तो जी हाँ, ये आप देख रहे हो यही वो है स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है, ठीक है। और ये है निक्की ताशा का स्टोव है, बर्नर, फोर बर्नर वाला स्टोव है निकी ताशा कंपनी का। और ये इसकी जो फ्यूचर है, ये पहला गैस है, ठीक है, और ये सेकंड, ये आपका ये पॉइंट दिख रहे हैं थर्ड, और ये आपका होगा फोर्थ, ठीक है। बाकी चारों तरफ स्टील दे रखा है, बढ़िया स्टील है, ठीक है, आप देख सकते हो।
पूरा मजबूत स्टील, बढ़िया स्टील है, मतलब कहने का मतलब ये है। और इसकी बॉडी भी है काफ़ी अच्छी है, भारी है, काफ़ी भारी है देखो पूरा जो। तो मैं आपको इसके बारे में एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, और जो आपकी दूसरी जो ब्रांडेड जो कंपनी आती है उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप कह रहे होंगे कि ये निकिताशा का लिया या और आप किसी ब्रांडेड का ले सकते थे या किसी ब्रांडेड में जा सकते थे, तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में, इसे हमने क्यों लिया और ब्रांडेड क्यों नहीं लिया, तो मैं उसकी पूरी जानकारी बताऊँ। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ब्रांड ब्रांड कुछ होता नहीं है, पहली बात को मैं बता दूँ। जितने भी ये स्टोव होते हैं ना, इनका कोई ब्रांड नहीं होता। जो ये स्टील बॉडी बनती है ना, ये ज़्यादातर आपको फैक्ट्रियों में बनती है, ठीक है। ये जो बॉडी बनी है ना, ये भी इसी की इसकी नहीं है। ये जो बॉडी जो पोर्शन बनता है ना, ये आपके हरियाणा, आपके साउथ इंडिया में या फिर गुजरात में, और जो मोस्टली जो ज़्यादा जो स्टेनलेस स्टील जो है ये बनती है, ये आपके पंजाब में जलंधर में बनती है। तो ये जो पार्ट आया है, बॉडी आई है, ये वहीं से आई है, ठीक है। तो कंपनी ये खरीदती है, जो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता, ये बाद में लगते हैं, ठीक है। तो कोई चाहे ब्रांडेड हो चाहे लोकल हो, कोई भी ये सब नहीं बनाता, वो खाली अपने स्टिकर और कुछ पार्ट जो ऐसे पार्ट होते हैं वो देती है। बाकी जो ये स्टील है, जो पूरी बॉडी आती है ना, ये पूरी बॉडी ये फैक्ट्रियों में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रांडेड, आप और कंपनी में भी जा सकते हैं, बट आपका डिपेंड करता है कि आपका ये अच्छा होना चाहिए, आपका ये मौजूद होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं हमारा जो, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, मेरी जो वीडियो उसमें आपने देखा होगा, तो पहले हमारा जो था ग्लास का था, ठीक है। पहले ग्लास का हमारा वो था, ग्लास वाला मैंने, ये दिक्कत होती है कि चूल्हा भी अच्छा है वो, मतलब जलता वलता बिल्कुल सही है, बस यही दिक्कत है कि उसके कान सारे निकल गए हैं, जबकि ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको। रिपेयर में रिपेयर नहीं होता, नहीं हो गई ना रिपेयर, आपको हर ब्रांड में मिल जाएंगे। पहले जो ग्लास वाले थे, लोग ग्लास वाले से इसलिए लेते थे कि उसमें क्वालिटी आती थी, थोड़ी फिनिशिंग आती थी, वो देखने में अच्छे लगते थे, लेकिन ग्लास वाले कामयाब नहीं होते। मैंने आपको बता दिया, चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लो, दिक्कत आती आती है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, वो टूट जाते हैं, ज़्यादा लाइफ नहीं होती। तो अब स्टील में भी आपके आने लगे हैं, स्क्वायर में आने लगे हैं, सर्कल में आने लगे हैं, या फिर जो फोर टाइप के होते हैं, चारों के साथ होते हैं, मैंने आपको आप इमेज में देख रहे होंगे, तो उस टाइप के भी आने लगे। तो मैंने जो उसको लिया है, उसका लेने का रीज़न यही है कि आप कह रहे होंगे कि और भी कंपनी का आप ले सकते थे, कोई दूसरी कंपनी का आप ब्रांड जो ले सकते थे, तो मैं आपको बता दूँ सर, मैंने जो प्राइस चेक किया था इसमें ज़्यादा मुझे ये सस्ता पड़ा उनके मुकाबले में, और इसका स्टील भी बहुत अच्छा लगा मेरे को उनके मुकाबले, ठीक है। इसका स्टील भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उनके मुकाबले, ठीक है। हालांकि स्टील सबका एक जैसा ही होता है, मोस्टली देखा जाए सबका एक जैसा ही होता है, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ, कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो निकिताशा हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, चाहे वो एलन हो, कोई भी ब्रांड कंपनी अपने घर पर ये चूल्हे नहीं बनाती, ना उनके पास कोई रहता है। ये सारे चूल्हे जो होते हैं आपके इंडिया के जो फैक्ट्री होती है, इंडिया के हर भारत देश के हर एक कोने से फैक्ट्रियों में से बन के आते हैं। ये पूरी बॉडी तैयार होती है, ठीक है, ये बॉडी तैयार आपको, इनकी एक पूरी शीट आती है, ठीक है, वो शीट कटती है उस शेप के हिसाब से, फिर इन पर पॉलिश होती है, स्क्रबिंग जो होती है वो होती है, फिर पॉलिश चमका के इसको, फिर ये पूरा बॉडी तैयार की जाती है, ठीक है। फिर इसके जो कैप होते हैं, ये जो बर्नर होते हैं, ठीक है, ये अलग आते हैं, ठीक है, ये इसके बॉडी के साथ नहीं आते, ये खाली बॉडी कहीं और से निकलती है, ये कहीं और से आती है, और इसके जो पार्ट है वो कहीं और से आते हैं। तो कोई कंपनी जो होती है वो सिर्फ ये बनाती है, कोई कंपनी ये बनाती है, कोई कंपनी ये बनाती है, तो ऐसे करके ये सब चीज़ें बनके तैयार होता है, ठीक है। ये मत सोचो कि आप किसी ब्रांड का ले रहे हैं तो सारी ब्रांड एक जैसे बनाती है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो कोई भी लोकल कंपनी हो, चाहे वो ब्रांडेड हो, सबके पार्ट्स अलग अलग आते हैं हर जगह से। हमारा जो ये आता है, आया है, ये पंजाब जलंधर से आया है। ब्रांड में ना जाएं, आप उसकी बॉडी में जाएं, ठीक है, ये बॉडी ही मेन होती है आपके चूल्हों में। ये मत सोचे कि प्रेस्टीज का ले लिया तो बहुत अच्छा होगा, या कोई और का ले लिया तो, हर कंपनी अपनी जगह ठीक है। प्रेस्टीज के भी चूल्हे अच्छे हैं, ठीक है, प्रेस्टीज के भी चूल्हे अच्छे हैं, एलन के भी अच्छे हैं, और भी बहुत सी कंपनियाँ जिनके चूल्हे अच्छे हैं, खैतान के भी आते हैं, सूर्या के भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोच रहे हो कि स्पेशली वो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्ट आपके अलग अलग स्टेट से आते हैं, कहने का मतलब ये। मैं बताता हूँ ये ऑटो इग्निशन में क्या है, इसके यहाँ सेल लगा है मोटा वाला, ठीक है, मोटा सेल आपको दिखा दिया होगा मैंने, वो सेल लगा है। इसमें क्या होगा, अब आपका जैसे ये देखो,
क्या अब ऐसी आप दूसरा करेंगे या तीसरा करेंगे, ठीक है, ऐसी आप चौथा करेंगे तो बिना माचिस लगाए कुछ भी, तो ये चारों चलते हैं, ये इसमें फैसिलिटी सही दी हुई है, ठीक है। और आप चाहे इसको मैनुअल भी लगा सकते हैं, जो सेल लगा है मोटा वो इसी के लिए काम आता है, आप इसे ऑन करके चला सकते हैं। सर एक बात कर रहे थे वारंटी की, तो वारंटी इसके अंदर हमें एक साल मिली है प्लस एडिशन मिली है, तो दो साल की हमें वारंटी हमें मिली है, ऑफ़र के तहत दो साल की वारंटी थी, ठीक है, आई थी, तो दो साल की वारंटी हमें मिली है। और ग्लास जितना हो सके आप ग्लास को अवॉइड करें, ग्लास के जो होते हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते, मैंने आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, वो मेरे वीडियो में देखो आप, उसमें मेरे जो ग्लास का था उसका क्या हाल हुआ है, ठीक है। तो और आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रांड ले लूँगा तो ब्रांड के ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लास टूट जाता है चाहे आप ब्रांड के लो या लोकल भी लो, ठीक है, ग्लास की लाइफ ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील की तुलना में। फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्टील का लें, चाहे आप एक बर्नर का लें, दो बर्नर का लें, तीन बर्नर का लें, चार बर्नर का लें, ठीक है, कितने भी बर्नर का सेट लें, स्टील का लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हो सके तो मैनुअल लें, क्योंकि देखा होगा बता दिया, एक होता है ऑटो इग्निशन, एक होता है आपका मैनुअल, तो ऑटो इग्निशन जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते, चाहे आप ब्रांडेड भी ले लेंगे। तो मेरी राय ये है कि आप मैनुअल लें, मैनुअल ज़्यादा अच्छा है ऑटो इग्निशन के कंपेयर में, ठीक है, या आपको दोनों मिल रहा, जैसे हमें ये दोनों मिला है, क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले भाई मुझे ऑटो इग्निशन तो चाहिए जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें मैनुअल भी चाहिए क्योंकि मैनुअल कामयाब है ऑटो इग्निशन के बजाय, ऑटो इग्निशन चलते तो अच्छे हैं बट ये कि चाहे वो ब्रांडेड भी हो दिक्कत आ जाती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में तीन बातें समझाई, पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा बर्नर चाहिए, एक दो तीन चार, चार सेट वाला, तीन सेट वाला, दो सेट वाला या एक सेट वाला, उसके बाद आप स्टील लीजिए, ठीक है, ग्लास मत लीजिए, ठीक है, स्टील के ठीक रहते हैं, आजकल स्टील में भी डिज़ाइन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जैसे आपने देखा होगा गोल में भी आ रहे हैं, स्क्वायर में भी आ रहे हैं, और भी एक आता है आपका लंबाई में, अलग अलग तरह के डिज़ाइन इसमें आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, स्टील में भी अब डिज़ाइन आ रहे हैं, आप स्टील का लें और आप मैनुअल लें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके अंदर ऑटो इग्निशन भी मिल जाए तो और भी बढ़िया है, बट उसमें मैनुअल भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ब्रांड का लें या लोकल लें या ब्रांड लें तो ऑटो इग्निशन के साथ साथ मैनुअल होना ज़रूरी है, मैनुअल ठीक रहते हैं कंपेयर टू ऑटो इग्निशन से, और दोनों मिल जाए तो बहुत बेटर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।